उसने मुझे यूँ कहा था कि तू अब तू मेरे से नहीं बात करेगी तो मैं तेरे भाई को मतलब मार दूंगा जान से। कल मीनू मैडम के पास गई महिला थाने में, उन्होंने मुझे ये बोला लड़की भागी तो नहीं है मैम, जब भागी जाएगी जब भी केस होएगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मीनू मैडम ने क्यों मैम ये भागने के लिए है, मतलब गली के लड़के लड़की को लेके भाग जाएंगे और मैं चुप करके भगवा लूंगी। कोई बड़ी आइटम नहीं है, कोई बड़ी चीज़ कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी रेप हो जाए लड़की के साथ वो बड़ी आइटम है, बच्चा प्रेग्नेंट हो जाए वो बड़ी आइटम है, या भाग जाए लेके वो बड़ी आइटम है, लेकिन अगर छेड़ रहा है वो केस मत करो। तो सही फिर मेरे को छोटा बच्चा 10 साल का उसने बताया, कहना का बुआ उनको पर्ची दे रहा था विक्की, तो मैंने क्या किया कह रही मम्मी मैंने फाड़ दी, कुछ नहीं था उसे। क्या हरकतें क्या करते हैं वो, यहाँ पे आके खड़ोएगा ऊपर कभी चीज फेंकेगा खाने की चीज फेंक देगा, खाने की चीजें फेंकेगा, हाँ हाँ कभी वहाँ पे जाके हॉर्न बजाएगा बाइक बाइक के रस्ते में खड़े उसके भी हाथ पकड़ लेगा, इसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है। दो दफा तो मैंने खुद देखा है इसको, अब तो हद हो गई। उस दिन उसको रंगे हाथों पकड़ा, यहाँ पे पर्ची पकड़ाई उसने गुड़िया को, पर्ची में क्या लिखा था, इसमें ये लिखा था कि आप मेरे साथ चलो मैं आपको लेके चलूंगा। कहाँ लेके जाना चाहता है वो, मलेशिया। मलेशिया, हाँ जी मेरे घर में ही बढ़ गए थे। क्या नाम है आपका? विनोद है जी। आपकी बेटी को भी छेड़ा? हाँ जी छेड़ा। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 17 साल है जी। नमस्कार मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। लाख कह दिया जाए कि आज के समय में बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक 14 साल की बेटी जो कि नाबालिग है अपनी माँ और अपने पिता के साथ खड़ी हुई है, जिसका कहना है कि मेरा मकान ये है लेकिन मैं अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हूँ। आज से 1.5 साल पहले ये बच्ची हंसी खुशी स्कूल भी जाती थी, घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती थी, ट्यूशन भी जाती होगी, पार्लर का कोर्स भी कर रही थी, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं 1.5 साल से ये बच्ची अपने घर में बंद होकर रह गई है। बंद होने का कारण ये है कि बताया ये जा रहा है, आरोप ये लगा रहे हैं अपने आस पड़ोस के ही एक लड़के पर जिसका नाम विकी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो लड़का घर के बाहर आकर इस बच्ची को छेड़ता है, लगातार इस बच्ची के पीछे पड़ चुका है, परेशान करता है, मोटरसाइकिल के हॉर्न बजाए जाते हैं, बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि यहां पर सोने की कभी चांदी की चेन फेंक दी जाती है, और बच्ची को बहलाया फुसलाया ये जा रहा है कि मैं तुझे मलेशिया लेकर जाऊंगा घुमाने के लिए और मेरे साथ एक बार चल। लेकिन एक बार बच्ची से मैं जान लेती हूँ कि ये क्या पूरा मामला है, कौन आपको परेशान कर रहा है जिसके बाद आपने स्कूल तक छोड़ दिया? वो मेरी मम्मी ने छुड़वा दिया था विक्की के पीछे, इस करके मेरी मम्मी मेरे को कहीं नहीं जाना। लड़के विक्की का नाम, उसकी क्या उम्र है? उसकी 22 साल उम्र। आपकी क्या उम्र? 14 साल। 14 साल, हाँ जी। आप जानते हो उस लड़के को? हाँ मैं शुरू से जानती हूँ, शुरू से हमारे साथ खेले हैं, इतने इतने पहले खेलते होते थे, पढ़ते होते थे साथ जी, इकट्ठे खेलते थे हम छत पे, एक तो ही स्कूल में थे? नहीं आदर्श में ही पढ़ते थे हम, एक ही में थे। वो तो आपसे बड़ा ही है ना? हाँ जी। इस करके उसकी मम्मी भी हमको मतलब आए, हमने मेरी मम्मी ने भी प्यार से समझाया उनको, नहीं समझता, वो यूँ कहता है भाई मैं तेरे भाई को मार दूंगा तुम मेरे से नहीं बात करेगी। कैसे किया उसने आपको? उसने मुझे यूँ कहा था कि तू अब तू मेरे से नहीं बात करेगी तो मैं तेरे भाई को मतलब मार दूंगा जान से। तो आप बात करते थे उससे? हाँ बात हुई हमारी। कब बात हुई आपकी? 1.5 महीने पहले हुई है, उसके बाद हमारी बात बंद है, उससे पहले हमारी बात नहीं। कब बात बंद हुई है? 1.5 महीने पहले बात बंद हो गई थी हमारी। तो आप तो कह रहे हो 1.5 साल से मैटर चल रहा है आपका ये? हाँ जी। वैसे बातचीत करते वैसे वैसे फ्रेंड गले का भाई था तो इसी वजह से हाँ भैया बोलती थी उसको, वो कुछ गलत फीलिंग लेके अपने दिमाग में, वो खुद पंचायत में खुद बोल। एक मिनट में बात कर रहे हो? लड़की का पापा हूँ ठीक है ना, उसको प्यार से बिठा कर समझाया और वो बिल्कुल नहीं माना है, पंचायत में बैठ के ये बोल गया बहन है और आज से मैं इसको बहन बोल दूंगा, उसके बावजूद बहन मानता है? हाँ उसके बावजूद फिर उसने की वही हरकतें शुरू होगी दोबारा उसकी। क्या हरकतें क्या करते हैं वो, यहाँ पे आके खड़ोएगा ऊपर कभी चीज फेंकेगा खाने की चीज फेंक देगा, खाने की चीजें फेंकेगा, हाँ हाँ कभी वहाँ पे जाके हॉर्न बजाएगा बाइक बाइक के रस्ते में खड़े उसके भी हाथ पकड़ लेगा, इसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है। दो दफा तो मैंने खुद देखा है इसको। तो आपने पहले समझाने की मैंने इसको बोला मैं भाई सुधर जा मैं तेरी छोटी बहन है, मारपीट भी हुई हमारी, नहीं माना, आपसे बात करूं? नहीं माना बिल्कुल भी, और अब तो हद हो गई। उस दिन उसको रंगे हाथों पकड़ा, यहाँ पे पर्ची पकड़ाई उसने गुड़िया को, पर्ची में क्या लिखा था? इसमें ये लिखा था कि आप मेरे साथ चलो मैं आपको लेके चलूंगा। कहाँ लेके जाना चाहता है वो? मलेशिया। मलेशिया, हाँ जी। तो जाता रहता है वो मलेशिया? क्या पता मैडम, आप ही बता दीजिए। चलिए आइए। वो बोल रहे थे कि मतलब पर्ची में जैसे हमने इसको देखा यहाँ, तो भतीजा है मेरा छोटा 10 साल का। ये पूरी बात कब से शुरू हुई? 1.5 साल से मैम ये रिपीट चल रही है इनकी बातें, 1.5 साल से बात करते हैं। बीच में हमने इनको समझाने की कोशिश, घर बुलाया हमने, प्यार से इनको बिठा के समझाया कि तुम्हारा लड़का ऐसे काम कर रहा है, समझा लो भी लड़की की गली की लड़की है। मैम कई
पैसे फेंक देने छत पे किसी बच्चे को पकड़ा तन्नू को दे दो और इसे पीछे फोन तोड़ा भी तो पानी क्यों लेने जा रही है पड़ोसियों घर से तेरे घर में बहुत ज्यादा हमने समझाया मार पिटाई भी हुई हमारी पहले भी हमारी हाथापाई होके भी कोई बात कर रहा था कभी ये मुझे नहीं पता मैम लेकिन इसको लेके जाना चाहता था वो कहां लेके जाना चाहता मलेशिया क्या है क्या पता मैम क्या है वो तो वही जाने वो उस दिन हमने इसको देख लिया तो इसके डैडी मेरे पास गए कहने रहा था घर चल मैंने क्या बात होगी क्या चल तो सही फिर मेरे को छोटा बच्चा 10 साल का उसने बताया कहने लगा बुआ उनको पर्ची दे रहा था विक्की तो मैंने क्या किया कह रही मम्मी मैंने फाड़ दी कुछ नहीं था उसमें मैंने कहा सच बता इसको मैंने मारा मैं इसी को ही मार रही थी डंडा मेरे हाथ में था और इसको मैं मार रही थी मार तू यहाँ तक लेके आई मैं कहा चल इससे बात करा तू मेरी तो इनके अंदर गए हम बात करने जैसे ही बात गए तो भाई ये पीछे पीछे गए मुझे अभिषेक बचाने के लिए भी क्या हुआ रहा था मेरे को बात बता बात तो उन्होंने पूछी नहीं पहले ऊपर से ईंटें बरसाने शुरू कर दी कब की बात है ये 2 तारीख की ईंटें बरसाई हाँ जी इन्होंने ईंटें बरसाई विक्की और ने महेंद्र ने पकड़ रखा था 2 ईंटें तो हमने फेंक दी हाँ जी चोटें आई है जब ईंटें बरसेंगे तो मैम चोट तो लगेगी इन अभिषेक को भी लगी है उनको भी लगी है महेंद्र को ये भाई है ये दुकानदार हाँ जी नो मेडिकल हमने पेश भी कर दिया रिपोर्ट में ये लिखवाया गया कि तुम लिख के दे दो रिपोर्ट कोई बात नहीं मेडिकल में ना का केस एडजस्ट कर देंगे जिस बात को लेकर लड़ाई हुई है मैडम उसका केस उठाओ ना किसने कहा ये एडजस्ट कर देंगे सर ने वहाँ बोला वहाँ पर मुंशी ने आपने कंप्लेंट दी हाँ जी हमने कंप्लेंट दी मेडिकल पेश कर दिया आपने सदर चौकी में क्या लिखा है कंप्लेंट उसमें लिखा कि हमारी हाथापाई हुई है और हम समझाने गए थे समझाते अभिषेक जो बीच में बचाव कर रहे थे उनको चोट आई और लड़ाई इनकी हुई थी आपस में जब लड़ाई हमारी हुई है इनके ऊपर केस का कभी मामला नहीं दर्ज करवाया कि लगातार फोन की 112 पे कॉल की अगली पड़ोस ने कहा चल कोई भी मोहल्ले का लड़का है अपने बैठ के बात हो जाए ऐसे करते हैं छोटी बातें तो है ही नहीं मैं बहुत बड़ी तक है फिर क्या करूं मैडम मार दूं इसको यही रह गया इसको मारना ही पड़ेगा लास्ट में जब वो मानो तो कहती है जो मर्जी कर लो जो अब मैं कल मीनू मैडम के पास गई महिला थाने में उन्होंने मुझे ये बोला लड़की भागी तो नहीं है मैम जब भागी जी जब भी केस होएगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा मीनू मैडम कहाँ से ये महिला थाने से उन्होंने ये बोला हाँ, कि जब भाग जाएगी तब आना जब हाँ जब आना क्यों मैम ये भागने के लिए मतलब गली के लड़के लड़की को लेके भाग जाएंगे और मैं चुप करके भगवा लूंगी छेड़छाड़ कोई बड़ी आइटम नहीं है कोई बड़ी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है हाँ जी रेप हो जाए लड़की के साथ वो बड़ी आइटम है बच्चा प्रेगनेंट हो जाए वो बड़ी आइटम है या भाग जाए लेके वो बड़ी आइटम है लेकिन अगर छेड़ रहा है वो केस मत करो वो ऊपर नहीं आंदे अशोक सर बिल्कुल ऊपर नहीं आंदे रहे केस को ये कहाँ है विक्की नाम का लड़का ये फरार कर देती है मैम हर बार जाकर मेरी लड़की को छेड़े जो मेरी लड़की को छेड़ेगा मैं तो मारूंगी मैडम मैं तो सिर भी पाड़ूंगी इसको खत्म भी करूंगी या मुझे मरना पड़ जाए मैं मारूंगी इसको अब ये है नहीं यहाँ पर नहीं हमारे 4 दिनों के पर्चे दर्ज हैं बगैर मतलब के पर्चे दर्ज हैं एक अभिषेक का मेरे हस्बैंड का ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई आपके खिलाफ कि आपने ईंटें बरसाई हैं मेरे हस्बैंड को मारा मुझसे छेड़छाड़ की 498 का पर्चा दर्ज है यानी मेरी लड़की किस एंगल में मैडम ये जब मेरी लड़की का केस दर्ज नहीं है तो इसका केस कैसे दर्ज कर लिया उन्होंने या पैसे खाए या फिर उन्होंने ये विक्की है ये विक्की है हाँ जी 22 साल उम्र है इसकी हाँ जी क्या काम करता है ये लड़का ये सेलर में काम नहीं लगा किसी में कंपनी में काम करता हाँ जी तो ये विक्की है जो इस लड़की को लगातार तंग कर रहा है 14 साल इस लड़की की अभी उम्र है और इसे एक पर्ची भी देकर गया जिस पर्ची में लिखा कि मैं तुझे मलेशिया लेकर जाना चाहता हूँ और एक बार मेरे साथ मलेशिया चली आ देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई जाती हैं और वही ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले में जिसको चोट आई थी एक बार आप आ जाइए बीच में क्या नाम है आपका और क्या आपने देखा 2 तारीख को और आपको भी चोट आई है मेरा नाम अभिषेक शर्मा है तो 2 तारीख को इनकी लड़ाई हो रही थी लड़की के पीछे तो मैं भी छुड़ाने गया क्या बात हो गया तो जैसे ही मैं गया इन्होंने ईंटें मार दी वो ईंटें मारी मेरे चोट लग गई लड़ाई इनकी थी मेरा कोई रोल नहीं था और इन्होंने मेरा नाम पर्चा दर्ज करा दिया ये इनकी लड़की को तंग कर रहा है तंग कर रहा है छेड़ता है जी कब से छेड़ रहा है 1.5 साल हो गया 1.5 साल से छेड़ रहा है तो आपने आप क्योंकि आस पड़ोस में आस पड़ोस की सारी बेटियां अपनी होती हैं कभी मिलकर समझाने की कोशिश की कि ऐसे काम मैंने समझाया 3-4 बार तो नहीं माना वो उस दिन मैं वैसे लगा क्या बात हो गई हत्थापाई हो रही थी तो मैं गया पीछे मेरे ईंट सर पे लग गए मैंने मेडिकल कंप्लेंट करा दी अब उल्टा केस हमारे पे कि हमने मारा है आपने मारा है ये केस और पहला फाइल मेरी ही दर्ज है आपका भी नाम है हाँ जी पूरी गली का क्या चाहते हैं एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे मामले को लेकर पूरी गली का बोल ये विक्की की तस्वीर भी जरा देख लीजिए आप पेश करो बस और कुछ दोनों को पेश करो बस ये लड़का है जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं हम भी आ जाएंगे सर इनको भी बुलाओ जो सच्चाई सामने आ जाएगी चाहते क्या हैं आप लोग क्या कर रहे हैं इनको अरेस्ट करना है अरेस्ट करवाना चाहते हैं तो लड़का तो बता रहे हैं विक्की अपने घर पे भी नहीं है क्या बात अंदर भी हो देख लो कुछ छुपा भी रखा हो आप लोग देखो जाके बाकी गली से पूछो सारे हैं खड़े इनके भी लड़की कपड़े कपड़े फाड़ रही थे उनके सामने आपकी लड़की के भी कपड़े फाड़े हैं इस विक्की नाम के लड़के ने मेरे घर में ही बढ़ गए थे क्या नाम है आपका विनोद है जी आपकी बेटी को भी छेड़ा हां जी छेड़ा क्या उम्र थी आपकी बेटी की 17 साल है जी जब छेड़ा था हाँ जी कब की बात है ये हो गया कम से कम 7 महीने हो गए होंगे 7-8 महीने पहले आपकी लड़की को हाँ जी तब आपने कंप्लेंट नहीं दी मैडम कंप्लेंट दी है जी कंप्लेंट दी हुई है लेकिन वो कार्रवाई हुई कुछ नहीं होता जी
कोई कार्रवाई नहीं हुई। कह रही कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा पैसा बहुत है। किसने कहा ये? ये उसकी माँ बोलती है। आप भी क्या क्या ही है, कह रही कुछ नहीं कर सकते मेरा। देखो इंटे मारी है सामने, इंटे उन्होंने ही रख रखी है मारने वास्ते उन्हीं के दरवाजे में। और देख सकते हैं एक लड़के के ऊपर, विकी नाम के लड़के के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आस पड़ोस की लड़कियों को वो छेड़ता है और अलग अलग तरीकों से छेड़ते हैं, जिसके बाद पड़ोस की लड़कियां काफी ज्यादा परेशान है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।